नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटने दो दिवसीय दौरे पे आए हैं और आपको बताते चले कि आज वो पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर में आए हैं और यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ बड़ी पटन देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो बिहार में दो दिवसीय दौरे पर आए हैं और आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे ढोल बाजे के साथ। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, साथ ही पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जेपी नड्डा यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर जो बीजेपी पूरे शक्ति के साथ तैयार है और आपको बताते चले कि आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी होगी। जब हमने रविशंकर प्रसाद से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। मैं यहाँ का सांसद हूँ, नंदकिशोर जी यहाँ के विधायक हैं, बाकी मित्र हैं हमारे, रामकृपाल जी हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करने आए हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी सोच है कि आज शनिवार है, उनका बचपन पटना में गुजरा है, तो आज माँ का दर्शन करने पटन देवी वो आ रहे हैं। तो हम लोग पूरे उत्साह के साथ बिहार के चुनाव में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बिहार को और आगे बढ़ाना है और जैसा मैंने अभी बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग में हमेशा हम लोग को निर्देश देते हैं कि देश के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास होना ज़रूरी है और पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास होना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं पहले भी काम चलता रहा है, मैंने अपने विभाग से कितना सब कुछ यहाँ पर कराया, पूरे पटना साहिब को पटना डिवीज़न प्रमंडल बनवा दिया मैंने पोस्ट ऑफिस का, और इसके अलावा सड़क में, बिजली में, बाकी काम सब हो रहा है, पशुपालन में, और ये काम चुनाव निमित्त नहीं है, ये चुनाव बिहार के विकास के लिए। सीटों का लगता है कि फाइनल हो पाएगा, सीटों का फाइनल, सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बात बन जाएगी सर? ऐसा है कि नीतीश जी जदयू से हम लोग का संबंध 20 साल का है, कोई दिक्कत नहीं। रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ के सांसद हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम स्वागत करें। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और जेपी नड्डा जो हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप तस्वीर देखें कि वो इसी रास्ते से निकलेंगे क्योंकि मंदिर जो है वो बंद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहीं से वो जेपी नड्डा जो है वो निकलेंगे और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़ी पटन देवी में यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो माँ का यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा होता है। बाड़ाला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।